Dear student, assalamu alaikum. Welcome to my lecture number 6 of second year intermediate class. In my first 5 lectures, I try to make you understand about lesson number 1, introduction of second year, and then I give you an understanding about preposition and idioms. I told you just 10 idioms last time and gave you an understanding of what preposition really is. And I told you about 6 principles of preposition which show us what really preposition is. And according to that, we learned that preposition . So today's lecture will start right from idioms. As I told you that I will give you 10 idioms today, and then we will study preposition after that. After my first introductory lecture, I told you 10 idioms. Now the next 10 idioms are on your screen. You guys, your today's idioms are: number 11, a man of letters, ek padha likha adib aadmi. Allama Iqbal was a man of letters. A rainy day, bada ahem hai, aksar imtihan mein aata hai, mushkil waqt zindagi ka, ek difficult time. A wise man saves something for a rainy day. 13 है, a bone of contention, ये भी बड़ा अहम है, फसाद की जड़. कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. 14, अ मेडन स्पीच. मेडन स्पीच, जब किसी की पहली तकरीर है, कोई जिंदगी में पहली मरतबा तकरीर करने लगे तो उसको मेडन स्पीच कहते हैं. His maiden speech was a success. 15, a black sheep, bura aadmi, jo kisi ke khandan ke naam pe daba ho, jo bura ho. A thief is a black sheep of our society. 16, a close fisted man, kanjoos aadmi, he is a close fisted man and you cannot get any डोनेशन फ्रॉम हिम, जो कंजूस है उससे कोई अतिया डोनेशन नहीं मिल सकती. अ रेड लेटर डे, ये खुशी का दिन, ईद इज अ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम्स. 18, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आफत, नागहानी आफत, जैसे तैयारा गिर गया था, जैसे जल्जला आया था. फ्लड वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू for the villagers. 19, a white elephant. A mobile phone is a white elephant for the poor, yani aisi cheez jis pe kharcha zyada ho aur uska fayda kam ho. At sixes and sevens, muntashir halat mein hona. The books were lying on the table at sixes and sevens. किताबें मुंतशिर हालत में मेज पर पड़ी थी. या the things were lying at sixes and sevens in the room after the robbery. डाका के बाद, डाका डलने के बाद कमरे में चीजें बिखरी पड़ी थी. वो इसका सेंटेंस मैं नेक्स्ट टाइम आपको, जो वो रिटन फॉर्म में भी होगा, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में बता दिया. तो स्टूडेंट्स, ये इडियम्स आपने, मैं हर दफा रोजाना 10 आपको दिया करूंगा और आपने उसको याद करने हैं.
इसका मकसद ये है कि आप एक ही दफा पाइल अप हो के चीजों को याद ना करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके आप उसको याद करें, और आपके लिए उसका जो है वो जहन में रखना वो ज्यादा आसान। अब इसके बाद मैं वापस आता हूँ प्रेपोजिशन की तरफ। एज आई टोल्ड यू दैट इन माई एवरी लेक्चर आई विल गिव यू समथिंग अबाउट द ग्रामर एज वेल, लेकिन आज के मेरा जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली ग्रामर पे है। तो इसमें अब हम जाते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। मैंने आपको 6 रूल्स प्रेपोजिशन के बताए थे कि उनमें एक ही की वर्ड था, वो ये था कि प्रेपोजिशन जो है दिस इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगी बल्कि ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ही जंप्ड इनटू द कैनाल, अब इनटू के बाद ऑब्जेक्ट है द कैनाल, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन हम कहें कि ही केम टू मीट हिज फ्रेंड्स, टू मीट, टू के बाद वर्ब आता है, जब वर्ब आएगा तो फिर ये प्रेपोजिशन ही होगा, फिर ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये वो शीट है कंप्लीट आपके पास, उसको क्लियर कर देंगे और जब हम ये सेंटेंसेस अब करेंगे तो इसमें वो प्रैक्टिकली आपके सामने होंगे। तो आई एम गोइंग टू शो यू अ शीट ऑन योर स्क्रीन टू एक्सप्लेन एंड गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक पेज है, इसमें डिफरेंट प्रपोजिशंस लिखी हुई हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपके प्रपोजिशंस क्या होती हैं, इन, ऑन, एट, फॉर, टू वगैरह, तो ये सबसे पहले आपकी जो है वो एट है, इसके पीछे प्रेजेंट करता हूं इसको। एट जो है ये होती है ऐसी प्रपोजिशन जो किसी, जी, एट ऐसी पोजीशन प्रेपोजिशन होती है जो किसी छोटी जगह के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन ही वाज एट होम, आई वाज नॉट एट कॉलेज, ही वाज एट हिज लैंड्स, एट, वी स्टॉप्ड फॉर सम टाइम एट कलर कहार, यानी छोटी जगहों के लिए एट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। क्या मैंने बताया, छोटी जगहों के लिए एट का लफ्ज इस्तेमाल, एट होम, एट कॉलेज, एट शॉप, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट लाल सुहारा पार्क, एट छांगा मांगा। लेकिन बड़ी जगहों के लिए आपने इन इस्तेमाल करना है, किसी भी प्लेस के लिए, मैं प्रेपोजिशन प्लेस की बयान कर रहा हूँ। छोटी जगह के लिए एट का लफ्ज किसी जगह पे होना और बड़ी जगह पे होना इन, ये बड़े शहरों के लिए, टाउन्स के लिए, स्ट्रीट्स और कंट्रीज के लिए। आई लिव इन पाकिस्तान, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन फैसलाबाद, वी स्टेड सम मंथ्स इन लाहौर, बड़ी जगह पे इन का लफ्ज इस्तेमाल, कंट्रीज के लिए इन एशिया, इन साउथ एशिया, इन अमेरिका, इन UAE, तो ये इन सब में इन का लफ्ज इस्तेमाल। ये मैं जगहों की प्रेपोजिशन आपको बता रहा हूँ कि किसी जगह पे होने के लिए, छोटी जगह के लिए एट, उससे बड़ी जगह के लिए इन, यानी आम जगहों के लिए, बड़ी जगहों के लिए इन। तीसरी है ऑन, जगह के लिए ऑन इस्तेमाल होता है जब एक चीज दूसरी के ऊपर है और वो टच कर रही, एक चीज दूसरी के ऊपर है और ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को छू रही हो, उसके लिए ऑन का लफ्ज, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो उसके लिए ऑन का लफ्ज इस्तेमाल।
मसलन एक किताब मेज पे पड़ी है, हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर वो किताब जो है वो मेज के ऊपर कहीं, जैसे हम कहें कि वो किताब नहीं बल्कि पंखा है, तो वो ऑन नहीं होगा, ऑन द टेबल, अबव द टेबल, किसी चीज के ऊपर हो और उसका कांटेक्ट ना हो तो उसके लिए ऑन लफ्ज नहीं। कांटेक्ट उस जब होगा तभी ऑन। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ऑन फ्लोर पर खड़े होना। आई लिफ्टेड द बैग ऑन माई हेड, आई पुट द बैग ऑन माई हेड, ऑन माई शोल्डर्स, ऊपर रखना किसी चीज के ऊपर होना और ऊपर वाली से नीचे वाली चीज का ताल्लुक हो, उसके लिए ऑन। और अगर उसका ताल्लुक ना हो, उसके साथ दरमियान में फासला हो, तो उसके लिए ओवर और अबव दोनों इस्तेमाल होते हैं। मैं उसकी भी आपको बताता हूँ। पहले आता है अबव, हायर देन द सरफेस ऑफ द अदर थिंग बट इट डज नॉट इंक्लूड द सेंस ऑफ कवरिंग, ऊपर होना लेकिन कवर ना किया हो। जैसे हम कहें बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स, बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स, आई सा अबव ऑन द स्काई, मैंने ऊपर आसमान पर देखा, आई सा अबव इन द स्काई, अबव ऊपर होना। और ये मैं इस तरह से भी कहा करता हूँ आपकी आसानी के लिए, जब एक चीज ऊपर हो, नीचे से कांटेक्ट ना हो और वो जो है वो ऊपर अपनी स्टैटिक कंडीशन में हो, मूव इधर उधर ना जा रही हो, उसके लिए अबव। द सीलिंग वॉज अबव अस, आई सा अबव ऑन द स्टार्स, मैंने स्टारों की तरफ ऊपर देखा। तो अबव जब एक चीज ऊपर हो और नीचे से कांटेक्ट ना हो और अपनी साकन जगह पे, उसके लिए अबव का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और ओवर जो है, ओवर एक छा जाने वाली कंडीशन में है, एक छा जाने वाली कंडीशन में कि जब कवर कर रहा हो, ये ऊपर जो ओवर है ये हायर देन सरफेस ऑफ अदर थिंग्स विद आइडिया ऑफ कवरिंग, द मून शाइन्स ओवर द अर्थ, चांद जो है वो जमीन पर ऊपर वो जो है वो चमकता है। लेकिन ये एक और सेंस में भी यूज होता है ओवर, कि जब ऊपर वाली चीज ऊपर से गुजर रही हो, ऊपर से जो है वो स्टैटिक कंडीशन में ना हो बल्कि वो मूविंग कंडीशन में हो। आई सा प्लेन्स होवरिंग ओवर अस, मैंने अपने ऊपर जहाज मंडलाते देखे। द बॉम्ब्स वर क्रॉसिंग ओवर अस, हमारे ऊपर से बॉम्ब जो है वो गुजर रहे थे। कोई चीज ऊपर से गुजरे उसके लिए भी ओवर का लफ्ज़। तीसरी है नेक्स्ट अंडर, अंडर होता है नीचे होना, ऑपोजिट टू ओवर, इमीडिएट सबॉर्डिनेशन। द कैट इज अंडर द टेबल, कोई चीज नीचे पड़ी होना उसके लिए अंडर हो, होना गुजरना हर एक के लिए वो अंडर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब अंडर की बात करते हैं नीचे होना, और ये एक मानवी अंदाज में भी इस्तेमाल होता है, तो अंडर जो है वो सबॉर्डिनेशन के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे मातहत काम करता है। तो मानवी एतबार से भी नीचे दर्जे में होना, और 600 people work under my supervision,
तो ये मानवीय अंदाज में भी इस्तेमाल होता है और किसी चीज के फिजिकली नीचे होता है। बिलो जो है ऑपोजिट टू अबव, इनफीरियरिटी ऑफ रैंक, ही लुक्ड डाउन फ्रॉम द माउंटेन टू द वैली बिलो, या ही इज बिलो मी इन रैंक। अंडर को काम करते हो ना, बिलो जो है ये भी नीचे, रैंक में भी और नीचे होना भी, यानी आप ज्यादातर रैंक में नीचे के लिए अंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिलो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर जो है और बिलो दोनों का मतलब नीचे ही है, मातहती में भी और नीचे होना भी, और फिजिकली तौर पे भी नीचे होना इनके लिए इस्तेमाल। देन अक्रॉस, पार, किसी चीज के पार देखना, पार जाना एक तरफ से दूसरी चीज, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ही वॉक्ड अक्रॉस द पार, वो पार के एक तरफ से दूसरी तरफ पार करके गया। थ्रू, किसी चीज में से, किसी चीज के अंदर से, पास थ्रू मीन्स बाय वे ऑफ, किसी तरीके से वो किसी चीज में से गुजरना, जैसे थ्रू द डोर, वी एंटर्ड द बिल्डिंग थ्रू द डोर, द बस पास्ड थ्रू लाहौर, लाहौर के अंदर से गुजरू, तो थ्रू, आई वॉक्ड थ्रू द कंपाउंड, मैं कंपाउंड सहन के अंदर से गुजरा। और आज का लास्ट है बिसाइड, किसी के नजदीक पास होना, के द चाइल्ड स्टूड बिसाइड हिज मदर, बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास, यानी ये जगह की प्रपोजिशन है कि कोई एक दूसरे के जगह के हवाले से करीब हो उसके साथ, ये बिसाइड करीब वाकई हो। तो आज के एट, इन, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, अक्रॉस, थ्रू, बिसाइड, ये आज की हैं, इनको समझ लीजिए और इनको आप याद करें। मैं अब नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो मेरा सेकंड लेसन होगा, और सेकंड लेसन के साथ साथ ही मैं आपको पहले ये प्रपोजिशन के रूल्स जो है वो सारे करवाऊंगा, ताकि बाद में इसकी एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं, और उसके बाद जो है वो इडियम्स चलते रहेंगे। आपने इनको, तो आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपके लिए जो है वो लेबोरियस होगा, कि आपको उसको समझने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यानी ये कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, इनमें एक चीज दूसरे से मिलती जुलती होती है, और ये ना समझें कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, एक लफ्ज दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। मसलन आप ये ना कहें कि जी किसी जगह बिलो इस्तेमाल होना तो अंडर इस्तेमाल हो गया। ये इंग्लिश जो है वो बड़ी ही जो है फ्लैक्सीबल है, इसमें आप एक चीज को दूसरे की जगह पे यूज भी कर सकते हैं, और उसमें आजकल जो फ्री स्टाइल इंग्लिश है उसमें आप इस थोड़ी सी लिबर्टी को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए कि नीचे के लिए अंडर भी इस्तेमाल होता है और बिलो भी इस्तेमाल होता है, और ऊपर के लिए ओवर भी और ऑन भी इस्तेमाल होता है, और अबव भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप किसी जगह इसकी वेरिएशन कर लेते हैं तो इसमें कोई ये ना कहें कि गुनाह कबीरा हो गया, नहीं, वो काबिल कबूल है। हाँ, जब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज होती है, जब फिल इन द ब्लैंक प्रपोजिशन होती है, तो उसमें क्लियरली आपको वो बताया जाएगा कि आपने इसमें किस अंदाज से, आपको उसका पता होगा कि ये कैसे इस्तेमाल। तो इसको उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अगेन विद द प्रपोजिशन एंड लेक्चर नंबर, माय लेसन नंबर 2। टिल देन, अल्लाह हाफिज।